अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्ष के नेताओं को नाश्ते पर बुलाया था। कई सारी पार्टियां यहां पर जुटी, राहुल गांधी के साथ एकजुटता दिखाई और एक तरह से लग रहा है कि राहुल गांधी विपक्ष का नेता बनने का एक प्रयास भी कर रहे हैं और ये प्रयासों में आजकल काफ़ी तेजी भी दिख रही है। खैर, आज की इस बैठक का एजेंडा था सरकार को घेरना संसद में। खासतौर पर राहुल गांधी ने कहा सभी नेताओं से कि हमें अगर एकजुट रहे और पूरे देश में अगर एकजुटता रही तो बीजेपी और आरएसएस को घेरा जा सकता है। आज की इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि कांग्रेस नेताओं ने क्या कहा जब प्रभा साक्षी से बातचीत की, चाहे दिग्विजय सिंह हो, टीएमसी के नेता कल्याण बनर्जी हो और नेताओं ने क्या कहा, और यहाँ से साइकिल पर इसी तरह की साइकिल और इसी तरह के होर्डिंग्स लगाकर जो सांसद हैं यहाँ संसद भवन जो पास में ही है वहाँ तक गए और सरकार विरोधी नारेबाजी भी की है। आज की इस बैठक में क्या निकल कर आया आपको दिखाते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कई अन्य विपक्षी नेताओं ने पेगासस जासूसी मामले पर सरकार को घेरने और दबाव बनाने की साझा रणनीति पर मंगलवार सुबह चर्चा की। राहुल गांधी के नौते पर कई प्रमुख विपक्षी दलों के नेता कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नाश्ते पर मिले। इस बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सब एकजुट रहें। उन्होंने कहा कि जनता की आवाज़ जितनी एकजुट होगी यह उतनी ही शक्तिशाली होगी और ऐसे में भाजपा और आरएसएस के लिए इसे दबाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। इस बैठक में राहुल गांधी के अलावा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और कई सांसद, तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव, शिवसेना नेता संजय राउत, राजद के मनोज झा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल समेत 15 दलों के नेता शामिल हुए। नाश्ते पर हुई इस बैठक में कुल 17 पार्टियों को न्योता दिया गया था, लेकिन बसपा और आम आदमी पार्टी के नेता इस बैठक में शामिल नहीं हुए। इस बैठक को लेकर खड़गे ने कहा कि संसद में सरकार को घेरने की साझा रणनीति पर चर्चा के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी दल एकजुट हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने नाश्ते पर ऐसे समय बैठक की है जब पेगासस और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर पिछले कई दिनों से संसद के दोनों सदनों में गतिरोध बना हुआ है। 19 जुलाई से मॉनसून सत्र आरंभ हुआ था लेकिन अब तक दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही है। विपक्षी दलों का कहना है कि पेगासस जासूसी मुद्दे पर पहले चर्चा कराने के लिए सरकार के तैयार होने के बाद ही संसद में गतिरोध खत्म होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह बैठक किसी नेता के चयन के लिए नहीं हो रही है, यह तो जनता की आवाज को उठाने का प्रयास है। सर, एकदम से राहुल गांधी जी काफी सक्रिय हैं, विपक्ष को एकजुट करने में कामयाब होगी कांग्रेस? निश्चित तौर पे होना ही चाहिए सक्रिय जी। और जो नेतृत्व का मुद्दा है वो सुलझ जाएगा आपको लगता है? नेतृत्व का मुद्दा है वो जल्दी सुलझ जाएगा लगता है? कौन से नेतृत्व का? ये जो विपक्ष का जो नेतृत्व का मुद्दा जो देखिए उसका कोई मुद्दा ही नहीं, पूछ रही नेता कौन है, मुद्दा ही नहीं है। उधर तृणमूल कांग्रेस के नेता भी इस बैठक में शामिल हुए। हालांकि तृणमूल के उस प्रस्ताव को अब भी कांग्रेस ने नहीं माना है कि संसद के समानांतर एक प्रतीकात्मक संसद चलाई जाए। प्रभा साक्षी से बातचीत में तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि हम सदन को तब तक नहीं चलने देंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती है। कल्याण जी, आज की जो बैठक रही इसमें क्या निकल कर आया? एक साथ लड़ेंगे हम लोग जी, दैट वी विल फाइट टुगेदर। बीजेपी कह रही है कि अभी तो 2024 का लोकसभा चुनाव में टाइम है, आप अभी से क्यों ये सब कर रहे हैं? कहीं आप एक साथ फाइट करना है तो क्या है जी, तो नेतृत्व को लेकर जो मुद्दा है वो सुलझ पाएगा क्या? ऑल वी आर सोल्जर्स इन द बैटल जी। और सदन कब तक चलने की? पीपल विल चूज देयर लीडर। सदन कब तक चलने की उम्मीद है जी? देखते हैं। एक ओर संसद के पास कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की यह बैठक चल रही थी तो दूसरी ओर संसद परिसर में शिरोमणि अकाली दल के सांसद संसद भवन में प्रवेश करने वाले सांसदों को गेहूं की बाली देकर उनसे किसान आंदोलन पर समर्थन मांग रहे थे।